हैं अभी 40 क्वेश्चन में से आप लोगों को बारी बारी हम सभी स्टूडेंट से पूछने वाले हैं, जो बताए हैं उसी में से अभी आप लोगों को खड़ा होकर के सबको बताना है, ठीक है। चलिए हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पीछे से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जवाब देता है, ठीक है। अभी हम पूछने वाले हैं, अभी जो 40 क्वेश्चन बताया किस विषय में बताए थे जी, SST में चार ऑप्शन था, चार ऑप्शन रहेगा और अभी आप लोगों को जवाब देना रहेगा, ठीक है। चलिए तुम खड़ी हो जा, तुम बताओ शेष कार्य करने वाले व्यक्ति समूह को क्या कहा जाता है, समांत वर्ग, सर्वहारा वर्ग, पादरी वर्ग या जदीदी? ठीक है, वेरी गुड, बढ़ जा। तो सबको जवाब देना है, कोई नहीं बोलेगा, जो बोला पिटाएगा। अब तुम खड़ी हो जा, इसको से पूछ रहे हैं, तुम खड़ी हो, चलो तुम बोलो। हरित क्रांति का संबंध है भारत की मानक मायोत्तर रेखा कौन सी है, 23.30 या 82.30? चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जा। चलो तुम खड़ी हो जा, यू तुम बता, प्राथमिक शिक्षा के पाठ, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूली लॉटरी शिविर, क ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? अब के बीच में टपक रहा है, कोई नहीं टपकेगा ना तो बड़ी मारेंगे हम, ठीक है। चलो खड़ा हो जाओ तुम, क्योंकि सबका ही टेस्ट है, जो बच्चा अभी बोल दे रहा है वाकई में वो अच्छा है, बढ़ जाओ मुन्नी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तालियां थोड़ा बजा दो उसके लिए। चलो क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल कुमार तुम बताओ, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल, मत्स्य पालन से? नगद पैसा, कच्चा माल। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बढ़ जा बढ़ जा, तुम खड़ा हो जा छोटू, क्या नाम है? वेरी गुड, देखो इसको किसे याद है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, फटाफट हमारे क्वेश्चन बोलने के पहले आंसर अगर बोल दिया तो वाकई में समझो कि तुम लोग होनहार स्टूडेंट है। चलो अगला क्वेश्चन, खड़ा हो जाओ लल्लू, तुम बोलो, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुन्द्र से घिरा रहता है, हाँ जी सही बोल रहा है, देखो इसको पता नहीं है, बैठ जाओ, क्या होता है? तो दीप होगा ना, हाँ तो बढ़िया से पढ़ेगा तब समझ में आएगा। चलो तुम खड़ी हो जाओ, काजल कुमारी बोलो, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, ऑप्शन नहीं बोलेंगे, तेज स्टूडेंट तुम किस लिए है, तुम खड़ा हो जाओ, उससे कहाँ से? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाओ, अब तुम खड़ी हो जाओ, तुम बताओ, गेहूं, चना, बैठ जाओ तुम फेल हो गए, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसल है? रबी फसल। हाँ जी रबी फसल है, अब तुम बताओ खरीफ फसल के नाम, हाँ हाँ चलो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो तुम खड़ा हो जाओ जी, बोलो, अपनी आजीविका के लिए श्रवण के एक डेयरी की दुकान खोली है, श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की है, कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया या उपयुक्त सभी? गलत, गैर कृषि क्रिया होगा। तुम पीछे बैठा है, खड़ा हो, तुम बोलो, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? 1946। सही है जी, कब हुआ था, ठीक बोल रहा है, ठीक है, इसका हम अभी पढ़ाए नहीं ना शायद, फिर भी देखो इसको याद है, चलो बैठ जाओ, बहुत अच्छा। चलो जी तुम खड़ा हो, तुम बताओ, अभी बताए थे इसको नहीं ना, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्रों से घिरा होता है क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है, हाँ पूछ लिए हैं, चलो ठीक है, तुम खड़ा हो जा, क्या नाम है? अनंत कुमार। अनंत कुमार, बढ़िया नाम है,
तुम क्वेश्चन का जवाब दो। निम्न में से कौन कार्यशैली पूंजी का उदाहरण है? औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल, मत्स्य पालन। हैं? कच्चा माल पूछ रहे। क्या? नगद पैसा तथा कच्चा माल। बैठ जाओ। क्या नाम है? चलो, रूसी संसद का क्या नाम है? संसद भवन, करेंसेक्री, पार्लियामेंट या डुडुमा? हैं? पूरा कन्फ्यूजन में मत रहो, एकदम पूरा बढ़िया से बोलो। चलो, क्या नाम है? डुडुमा। क्या नाम है? डुडुमा। तो कहने का मतलब है, बढ़ जाओ, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज हम इतना ही बच्चा से पूछेंगे, फिर नेक्स्ट कभी क्लास इस टाइप से हम लेंगे तो पूछेंगे। तो आप लोगों को शायद इसमें पढ़ने से कम 20% करें, 50% तो क्वेश्चन आंसर याद हो गया होगा। आप 50% ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको याद नहीं हुआ होगा। किनको किनको याद हो गया? हैंड्स अप। वाह, वेरी गुड। चलिए अब